और अपने समय के एक से एक मशहूर एक्टर और इस पूरे मैनेजमेंट को करने वाले उपस्थित हमारे सभी जैसे आदरणीय जितेंद्र जी, मनमोहन सेट्टी जी, राहुल जी, रमेश तिवारी जी, आनंद जी, कठिन पांडे जी, विवेक अग्निहोत्री जी, शशि राजन जी, अर्चना पूरन सिंह जी, राहुल जी, रतन जैन जी, दीपक डोगरिया जी, हिमानी सुगुरु जी, पवन बटोला जी, शशि जी जिन्होंने शशि जी और कुकृति जी जिन्होंने आज इस बहुत ही कम समय में बहुत शॉर्ट नोटिस में इस मिलन का आप सब लोगों से मिलने के लिए ये संयोजन किया। मैं दोनों का आभारी भी हूँ। कम समय में और उन सभी विशेष हस्तियों से जितेंद्र जी बैठे हैं, अग्निहोत्री जी बैठे हैं, ऐसे अनेक लोग रमेश जी से लेकर जिनको हम लोग सिनेमा के पर्दे में देखते थे, और जितेंद्र जी को तो देखकर मैं वैसे ही बहुत खुश हो गया क्योंकि जब मैं छोटा था तो इनको हम लोग कहते थे सदाबहार युवा। इनकी सब फिल्में जो है हिट होती थी उस समय, और क्योंकि अब तो खैर बहुत कम सिनेमा में जाकर मैं देख पाता हूँ या इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन बचपन में मैं बहुत फिल्में देखते थे और बड़ा समय चुरा चुरा के देखते थे। तो आज आप सबका मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। सबका मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोग आज यहाँ पर पधारे हैं। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से फिल्म जगत के, वेब सीरीज के, ओटीटी प्लेटफॉर्म और टेलीविजन से भी जो महानुभाव हैं उन सभी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे श्री बंशीधर तिवारी जी, इन्होंने बहुत कम समय में अभी बहुत ज़्यादा विस्तार से व्याख्या नहीं कर पाए क्योंकि समय कम था, लेकिन इन्होंने फिर भी सागर में वो गागर में सागर भरने का काम आप सबके समक्ष किया है। मुझे खुशी है कि फिल्म जगत सही वेब सीरीज और टेलीविजन से जो प्रमुख प्रमुख लोग हैं उन सभी से आज यहाँ पर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग इसमें से उत्तराखंड आए होंगे या उत्तराखंड के बारे में जिन्होंने सुना होगा, तो उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है। और देवभूमि इसलिए कहते हैं कि उत्तराखंड में जहाँ चार धाम हैं, चार धाम बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और ऋषिकेश हरिद्वार से लेकर अनेकों स्थान, और अभी अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आदि कैलाश गए थे, ज्वालिकोंग जो लगभग 18,000 फुट से भी अधिक हाइट पर है, और वहां पर आदि कैलाश और पार्वती कुंड एक बहुत ही ऐसा स्थान है जिसको कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का निवास इस स्थान पर है। और जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं, इन्होंने अभी आपको थोड़े से डेस्टिनेशन दिखाए यहाँ पर, एक कितने होंगे पांच जितेंद्र जी, 10 डेस्टिनेशन दिखा दिए कि नैनीताल इन्होंने नहीं बोला, नैनीताल नहीं बोला आपने, मुक्तेश्वर नहीं बोला, कौसानी नहीं बोला, मुंशहरी नहीं बोला, देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश, चक्रापा, औली, चौपता, ये ऐसे स्थान हम अभी वो कह रहे हैं जहाँ पर अभी तक लोग आते हैं फिल्म की शूटिंग करने के लिए। अग्निहोत्री जी तो वहाँ बहुत दिनों रहे, इन्होंने तो थोड़ा अच्छा होता कि थोड़ा इनके अनुभव भी ले लेते हैं लोग, जिन लोगों ने वहाँ पर काम किया है उनको कैसा लगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरे बोलने के बाद अगर 5 मिनट आप भी बता देंगे कोई दिक्कत तो नहीं है।
अच्छा होगा कि आप बता देंगे सब लोगों को, तो आप क्योंकि जो लोग काम कर चुके होते हैं, अब मैं बोलूँ बंसीधर जी बोले या कोई और बोले तो ऐसा लगेगा कि हम जो है कुछ कहीं ज्यादा तो नहीं बोल रहे, लेकिन आप बोलेंगे तो लगेगा कि ब्रांड एम्बेसडर बोल रहे हैं, उन्होंने काम किया है।